नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर संभाग में अतिवृष्टि से 1,35,000 हेक्टेयर के फसलों को नुकसान होने की जानकारी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। वर्धा और चंद्रपुर जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा करने और पीड़ितों से संवाद साधने के बाद उन्होंने नागपुर विभागीय कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक ली। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुए नुकसान का संवेदनशीलता के साथ सर्वे करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर दोबारा बुआई की गई थी, वह भी बर्बाद हो गई और कुछ इलाकों में खेत को इतना नुकसान पहुंचा है कि दोबारा बुआई संभव नहीं है। इसलिए मदद देते समय इसका विचार करना होगा। बीते वर्ष हुए नुकसान का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिलने की शिकायतें मिली है, इसलिए मदद की घोषणा करते समय इसका भी विचार करना होगा। उन्होंने बताया कि गढ़चिरौली के सिरोंजा में भारी नुकसान हुआ है, अनेक गाँवों से कनेक्टिविटी टूटी है, इसलिए दीर्घकालीन उपाय योजना का DPR तैयार करने का निर्देश प्रशासन को दिया है। सितंबर में अतिवृष्टि होती है, उस दृष्टि से नियोजन का निर्देश भी दिया है। फडणवीस ने जहां संभव हो वहां दोबारा बुवाई के लिए मदद करने का निर्देश दिया है। शहर में कई जगह नालों पर अतिक्रमण हो गया है, इस वजह से बारिश के दिनों में दिक्कतें बढ़ गई है। पानी का बहाव रुकने की वजह से आसपास की बस्तियों में पानी जमा होता है। कलमना में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। जूना कामटी रोड के समांतर बहने वाले नाले पर अतिक्रमण की वजह से इन दिनों पानी खेतों सहित आसपास के प्लॉटों में घुस रहा है। जल जमाव की वजह से तालाब बन गया है। कलमना बस्ती में नाग नाला और पीली नदी बहती है। जूना कामटी रोड के समांतर नाला बहता था, यह नाला पीली नदी से मिलता था। प्रशासक के रिकॉर्ड में मौजा कलमना के खसरा नंबर 56 के अनुसार इसका उल्लेख भी है। 2008 के GR के अनुसार ब्लू लाइन यानी नाले के आसपास मकान नहीं बनाए जा सकते। यदि अतिक्रमण होता है तो इसे हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन की है। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप बारिश के दिनों में यह जगह तालाब बन जाता है। इन दिनों बारिश की वजह से पानी खेतों और प्लॉटों में जमा हो रहा है। शहर में लगातार निर्मित हो रही बहुमंजिला इमारतों में आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर बचाव कार्य के लिए मनपा का अग्निशमन विभाग उपकरणों से लैस हो रहा है। नई तकनीकी के उपकरण और संसाधन उपलब्ध किए जा रहे। प्रशासन भले ही आपदा के लिए तैयार हो लेकिन कई बहुमंजिला इमारतों के निर्माताओं की ओर से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिटी में 4,692 इमारतों को असुरक्षित घोषित किया गया। इन इमारतों में किसी भी तरह के अग्निरोधक उपकरण नहीं लगाए गए हैं, जिससे मनपा की ओर से इन इमारतों को नोटिस भी जारी किया गया। सूत्रों के अनुसार गत 30 वर्षों में इमारतों के निर्माण के लिए 5,598 लोगों ने अग्निशमन विभाग से अस्थायी NOC प्राप्त की थी, जबकि केवल 903 इमारतों ने ही नियमों की पूर्ति किए जाने का प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग से प्राप्त किया। नियमों के अनुसार इमारत निर्माण के समय अग्निशमन विभाग से NOC लेना अनिवार्य है। अग्निरोधक उपकरण लगाए जाने के बाद विभाग की ओर से जांच कर स्थायी NOC दी जाती है, किंतु इससे पहले निर्माता को इमारत पूरी होने की जानकारी देकर प्रमाण पत्र की मांग करनी होती है। सिटी में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हैरानी की बात है कि कई स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल टूटे हुए हैं। छत्रपति चौक से हिंगना की तरफ जाने वाले रोड पर प्रियदर्शनी नगर टी पॉइंट का ट्रैफिक सिग्नल टूट गया है, जिसके कारण वाहन चालक आड़े तिछले होकर निकल जाते हैं। ट्रैफिक जम करने के चक्कर में वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है। प्रियदर्शनी नगर टी पॉइंट से एक सड़क अंबाजरी की ओर जाती है जबकि दूसरी सड़क हिंगना की तरफ जाती है। इस मार्ग से भारी वाहन भी काफी गुजरते हैं। ट्रैफिक सिग्नल के टूट जाने से वाहन चालक बैकहॉप अपने वाहनों को निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई है जिसे दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इसकी वजह से पैदल चलने वालों को भी रोड क्रॉस करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा यहां पर दिशा सूचक फलक भी लगा हुआ है, परंतु यह फलक भी एक विज्ञापन बोर्ड से ढका हुआ है, जिसके कारण वाहन चालकों को दिशा सूचक फलक नजर नहीं आता है। अब खाने पीने की कई चीजों पर भी GST लागू हो गया है। इसमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी प्रकार के अनाज शामिल है। 5% GST लगाया गया है। इतने वर्ष यह खाद्य पदार्थ GST के दायरे से बाहर थे, आज से इन्हें GST में शामिल कर दिया गया है। इसका विरोध नागपुर शहर युवक कांग्रेस के वसीम खान के नेतृत्व में किया गया।
युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न अवस्था धारण कर भीख मांग कर अपना रोष जताया। इस विषय पर वसीम खान ने कहा कि मोदी सरकार का देश में आम जनता के खिलाफ एक और एक कठोर फैसला है। अनाज व अन्य कई चीजों पर 5% GST लागू कर केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दर भी आसमान छू रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे व सरकार से अनाज पर GST हटाने की मांग हम करते हैं। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, सुशांत गणवीर, अक्षय डोरलिक, फिरोज खान, मनीषा मेश्राम, प्रीति साखरे, सरफराज खान, विजय साखरे, अंकित गुमगावकर, आदित्य रोड़े, निखिल कोंटे, मोहसिन भाई, राहिल शेख, प्रतीक पाटिल, राजा शेख, निहाल शेख आदि उपस्थित थे। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में रात के वक्त कैजुअल्टी में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो मरीज व उनके परिजन परेशान होकर उल्टे पांव लौट जाते हैं। इसी तरह की एक घटना सामने आई है। चांदूर बाजार निवासी बालक प्रबुद्ध पाटिल 2 दिनों से जुकाम से ग्रस्त था। परिजनों ने पहले चांदूर बाजार के एक अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से उसे अमरावती के सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। बाद में अमरावती के डॉक्टरों ने सोमवार की रात मेडिकल भेज दिया। माता पिता बेटे को लेकर आए, उस वक्त तड़के 3 बजे थे। आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों को दिखाया। आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टरों ने किसी अन्य अस्पताल में भर्ती कराने को कहा, साथ ही मेडिकल में मशीन बंद होने और वेंटिलेटर नहीं होने की बात पर परिजनों को बाहर का रास्ता दिखाया। परिजन उसे गांधीबाग परिसर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। इस संबंध में अधिष्ठिता डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि मेडिकल में लाने पर बच्चे का इलाज किया जाना चाहिए था। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों की जांच की जाएगी, वही दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान नागपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में औसतन 14.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। संभाग के एक भी जिले में मंगलवार को भारी बारिश नहीं हुई। हालांकि तमाम जिलों प्रशासनों ने नदियां और नालों के साथ साथ निचले स्तर के इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटों में हुई कुल बारिश के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। वर्धा 48.4 मिलीमीटर, नागपुर 13.9 मिलीमीटर, भंडारा 6.1 मिलीमीटर, गोंदिया 3.8 मिलीमीटर, चंद्रपुर 5.2 मिलीमीटर और गढ़चिरौली 4.4 मिलीमीटर। 1 जून से 19 जुलाई तक नागपुर मंडल में औसत 621.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को कुल मिलकर 9 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 55,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन के मार्गदर्शन में लक्ष्मीनगर, धर्मपेट, धंतुली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा और आशीनगर जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग के संदर्भ में 8 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 45,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया और 26 किलो 500 ग्राम प्लास्टिक का सामान जब्त किया गया। उपद्रव खोजी दल ने प्लास्टिक बैग के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत ऑरेंज सिटी स्ट्रीट पर रंग बुटीक दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए दंड वसूला। धर्मपेट जोन के अंतर्गत 501 बार एंड कैफे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। धंतोली जोन के अंतर्गत नरेंद्र नगर में 56 भोग रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत रमना मारुति नगर के कलांडी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड पर सड़क के किनारे निर्माण कार्य का मलबा डालने पर कार्रवाई की गई और कंपनी प्रशासक से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रमन साइंस सेंटर आज विविध कार्यक्रमों के जरिए मून लैंडिंग डे मनाया जाएगा। अपोलो 11 चंद्रमा पर इंसानों को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। ऐसा करने वाले वे पहले इंसान बने। इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए नागपुर का रमन साइंस सेंटर और तारा मंडल आज एक विशेष मून लैंडिंग डे समारोह का आयोजन कर रहा है। केंद्र में स्कूली बच्चों और आम जनता के लिए द मून नामक एक विशेष विज्ञान
शो का आयोजन किया जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अरबों साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ था और मून फेज जैसी कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। हम चंद्रमा के केवल एक आकार को क्यों देख सकते हैं, इस प्रश्न पर भी विशेषज्ञ प्रकाश डालेंगे। यह शो हिंदी भाषा में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कक्षा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए केंद्र द्वारा चंद्रमा विषय पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र इसरो नागपुर के उप महाप्रबंधक डॉक्टर जे श्रीनिवासन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से चंद्रमा एवं अंतरिक्ष में खोज विषय पर वे व्याख्यान देंगे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। शहर में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में समस्या उत्पन्न हो गई है। नागरिकों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए नागपुर महानगर पालिका की पूरी व्यवस्था 2400 घंटे काम कर रही है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में दमकल विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मनपा प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि सोमवार को बारिश के कारण धंतोली जोन के मनीष नगर यूको बैंक के पास इटनकर निवास पर एक पेड़ गिर गया है। इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नरेंद्र नगर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को हटाया। इसके अलावा नेहरू नगर जोन में शारदा चौक आदर्श मंगल कार्यालय के पास बिजली के खंभे पर एक पेड़ गिर गया था। इसकी सूचना मिलते ही सकरदरा फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने मदद बिजली के खंभे पर गिरे पेड़ को हटाकर यातायात के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। शांति रोड दरोडकर चौक सेंट्रल एवेन्यू नागपुर स्थित श्री शांति गणेश उत्सव एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा 65 वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल मंडल द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मनाए जा रहे श्री गणेश उत्सव के कार्यस्थल का भूमि पूजन हाल ही में विधायक व भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के, पूर्व विधायक गिरीश व्यास, सुधीर दफ्तरी, प्रमोद पेंड के, किशोर पालांदुरकर, श्याम चांदेकर, संजय पटवा, मौलिक सावड़िया, मनीष सांगला, बकुल श्रीमानकर आदि मान्यवरों के शुभ हस्ते पूजा अर्चना करते हुए संपन्न हुआ। अन्य प्रमुख उपस्थित मान्यवरों में शांति शाखा के गजानन शेंडे, नगर सेवक श्रद्धा पाठक, दिगंबर राव चावरे, डॉक्टर सुरेश चांडक, दशरथ मस्के, सतीश पेंढारी, मंडल संयोजक संजय चिंसोले, अध्यक्ष राजेश श्रीमानकर, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील सौरकर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक प्रवीण दटके ने कहा कि गणेश उत्सव शांति का गणेश उत्सव है, जो लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक गणेश उत्सव के उद्देश्य को पूरा करता है। यह कहते हुए उन्होंने सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। मंडल ने पहले संत श्री गजानन महाराज मंदिर शेगा, श्री साई बाबा मंदिर शिरडी आदि मंदिरों की प्रतिकृति तैयार कर सिर्फ नागपुर नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में अपनी विशेष और अलग पहचान बनाई है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले यह कोरोना नियंत्रण कक्ष हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागपुर का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सोमवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 725 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 510 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 111 शिकायतों में से 41, धर्मपेट जोन में 64 में से 51, हनुमान नगर जोन में 251 में से 251, धंतोली जोन में 84 में से 36 तथा नेहरू नगर जोन में 54 में से 33 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उमरेड तहसील में शिवापुर, रासांडी, मांडवा, सोमनाला, जवली, धापरला, मल्लारपुर, टाका, धामनगाव, पांडरवानी,
ग्राम पंचायत के तहत विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण के साथ ही समाधान शिविर का उद्घाटन विधायक राजू पारवे के हाथों संपन्न हुआ। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर तथा उनकी समस्या को समझकर निराकरण करने का मकसद से समाधान शिविर का शुभारंभ किया और इससे नागरिकों की समस्याओं को जल्द सुलझाने में मददगार साबित होने की बात कही। विधायक पारवे ने कहा, इन दिनों लगातार हो रही अतिवृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कें छोटे पुल की दयनीय अवस्था हो गई है। उनके मरम्मत के प्रस्ताव अतिवृष्टि बाधित क्षेत्र पंचनामा घरकुल योजना तथा अंदरूनी मार्ग पर बस सुविधा बरकरार करने जैसी समस्याओं पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अलावा विधायक निधि, जिला विकास निधि, जल जीवन मिशन, टांडा बस्ती योजना, अनुजाति व नवबोधा घटक निधि, रोजगार हमी योजना, ग्रामों को जोड़ने वाले अंदरूनी मार्ग का कार्य आदि जनहित कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के सभापति नेमावली माटे, पंचायत समिति सभापति ममता शेंडे, एसडीओ चंद्रपान खंडायत, तहसीलदार अनिरुद्ध कामले, टीएचओ डॉक्टर राउत, बिजली अभियंता उरकुटे के साथ बालू इंगोले आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा डिगडो मंडल के उपाध्यक्ष कमलेश खोबरागड़े द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। अमरनगर और निडोह की जनता और आवाजाही के लिए पर्याप्त साधन न होने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों को और स्कूली बच्चों को बस ऑटो के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ता है। अस्पताल, बैंक, बाजार या फिर सरकारी काम से आने जाने के लिए नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खोबरागड़े द्वारा नागपुर महानगर पालिका के परिवहन विभाग के अधिकारी से चर्चा कर होने वाली परेशानी से अवगत कराया। वहीं नागरिक की परेशानी देख परिवहन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र पागे और परिवहन विभाग के पर्यवेक्षक गिरीश महाजन ने बस सुविधा जल्दी शुरू करा देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ओम प्रकाश वैद्य, विलास राउत, अजय रडके, राज गायधने, अजय रहिले, मंगल शर्मा और भाजपा के कार्यकर्ता गण मौजूद थे। सावनेर शहर के इलाजों में निरंतरता से जारी स्थानिक पुलिस की कार्रवाई से शहर की जनता में खुशी का माहौल निर्माण हो रहा है। इन कड़ी कार्रवाई की अगुवाई करने वाले सावनेर पुलिस स्टेशन के थानेदार मारुति मुलुक तथा जांच दल के अधिकारी शिवाजी नागवे का सभी स्तरों पर आभार व्यक्त कर स्वागत किया जा रहा है। समाज सेवी तथा पूर्व नगर उपाध्यक्ष गोपाल घटे के नेतृत्व में पूर्व नगर सेवक दिलावर शेख सहित सटवा मातम परिसर के अनेक नागरिकों ने सावनेर थाना पहुंचकर थानेदार मारुति मुलुक तथा पीआई शिवाजी नागवे और उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर शहर में लॉजों में चल रहे अवैध कारोबार पर जारी कार्रवाई की प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बता दें कि शहर में स्थित दर्जनों लॉज सिर्फ युगल प्रेमियों के अय्याशी के अड्डे बन गए थे। सावनेर शहर में जिस्म फरोशी तथा देह व्यवसाय को बढ़ावा देने के कार्य में कुछ लोग जुट गए थे। शहर की आबोहवा के साथ साथ स्थानीय संस्कृति से भी खिलवाड़ करने में असामाजिक तत्व सक्रिय थे। ऐसे में केशव लॉज, संकेत लॉज, सूर्या लॉज, प्रतीक लॉज आदि में उजागर हुए अनेक संदिग्ध मामले सामने आए और लॉज व्यवसाय के आड़ में जारी काले करतूतों पर पर्दाफाश थानेदार मारुति मुलुक ने किया। सोमलवाड़ा स्थित श्री कृष्ण अपार्टमेंट में रेणु द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सहभागियों ने बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लिया। मंच संचालन विशाखा तिवारी ने किया। सास बहू व देवरानी जेठानी द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कृष्ण की भूमिका में कल्पना तुड़स कर रही एवं राधा की भूमिका मयूरी महाजन ने निभाई। मुख्य अतिथि आरजे मोना ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ज्योति तिवारी, निशा सिंह, चारू सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। रेणु सिंह ने सभी का आभार माना। महामेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को ऋण के बतौर वित्तीय सहायता करने वाली फ्रांस की AFD के 2 सदस्यीय टीम ने मेट्रो का 2 दिवसीय दौरा कर महामेट्रो द्वारा संचालित कार्यों का निरीक्षण कर कामकाज के प्रति समाधान व्यक्त किया। टीम में सितारा, अतियान, रजनीश अहुजा शामिल थे। मेट्रो भवन के सभागृह में हुए प्रेजेंटेशन के पश्चात हुई चर्चा के दौरान महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने संबोधित किया। AFD टीम को महामेट्रो द्वारा किए जा रहे विविध कार्यों की जानकारी दी गई। टीम के कार्यों के प्रति समाधान व्यक्त किया। चर्चा के दौरान निदेशक महेश कुमार, निदेशक सुनील माथुर, निदेशक अनिल कोकाटे, निदेशक हरिंदर पांडे सहित वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे। टीम के सदस्यों ने मंगलवार को खापरी मेट्रो स्टेशन, मिहान मेट्रो, एयरपोर्ट साउथ, सीताबर्डी इंटरचेंज, जीरो माइल्स फ्रीडम पार्क,
सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सेवा संसाधन, टिकट काउंटर, सुरक्षा तथा सुरक्षा डिजिटल टिकटिंग, पार्किंग एरिया, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, फीडर सर्विस, अग्निशमन उपक्रमण, वातानुकूल, चार्जिंग सेंटर, बाय डाइजेस्टर, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि का अवलोकन किया। महामेट्रो द्वारा मेट्रो स्टेशन और स्टेशन पर में उपलब्ध व्यावसायिक क्षेत्र, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट व आदि का अवलोकन किया। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल हेती में कवि एवं गीतकार गोपाल दास नीरज की पुण्यतिथि अनोखे तरीके से स्कूल की सदन में मनाई गई। 4 जनवरी 1925 को जनपद इटवा के पुरावली में पैदा हुए गोपाल दास नीरज की मृत्यु 19 जुलाई 2018 को दिल्ली में हुई थी। नीरज न केवल लोकप्रिय कवि थे बल्कि अच्छे संगीतकार भी थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 सम्मानित किया। स्कूली विद्यार्थियों ने उनके स्केच बनाए, उनकी रचनाओं का संकलन किया। सभी सामग्री स्कूल के सूचना फलक पर अंकित की गई। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा कहा था। नीरज का काव्य कलागत दृष्टिकोण, भाषा, शब्दों के प्रयोग, छंद, लय, संदर्भ, वातावरण और प्रतीत योजना आदि सभी दृष्टि से इसी पीढ़ी के कवियों में सर्वथा अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। वे अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही शब्दों, मुहावरों और क्रियाओं का प्रयोग करते थे। नीरज की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह जहां हिंदी के माध्यम से साधारण स्तर के पाठक के मन की गहराई में उतरे, वहीं उन्होंने गंभीर से गंभीर अध्यक्षताओं के मन को भी गुदगुदा दिया है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 2421 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे 9,82,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 9 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,35,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से सभी संबंधित दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।